मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो एक बात बताइए, ये डस्टर का शेप है, ठीक है? देखें आप, ये इसका शेप है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा शेप है? आप नहीं बता सकते अभी, क्योंकि अभी आपने इस शेप के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक की क्लासेस में, ठीक है? ये ठीक है। और अगर आपसे मैं बोलूँ कि इसमें कितना इसका एरिया है, कि यहाँ कितना इसका एरिया है, अगर मैं इसको यहाँ ज़मीन पर रखूँ तो ये कितना एरिया कवर करेगा, मैं बोर्ड पर रखूँ तो आप क्या बता सकते हैं कितना एरिया कवर करेगा, या इसकी हाइट कितनी है? तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आपने इस शेप के बारे में नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि आप ये जानते भी नहीं है कि ये शेप है क्या। ठीक, ओके। ये एक बॉक्स है, ठीक, बॉक्स। आप कहेंगे कि ये इधर से सर्कल है, नीचे से भी सर्कल है, पर ये पूरा शेप क्या कहलाता है? ये पूरा शेप सिलेंडर कहलाता है, पर आपको अभी नहीं पता, ठीक। ये क्या है? ये चौक। ये चौक भी उसी शेप की है जैसा अभी आपने बॉक्स देखा था। यहाँ से गोल है, यहाँ से गोल है, और बाकी इन दोनों को कवर करे हुए है, तो ये भी एक सिलेंडर है, ठीक है। ये डायरी, डायरी के शेप की है। डायरी का अगर आप फ्रंट फेस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा रेक्टेंगल, बट अगर आप पूरी डायरी देखेंगे तो ये क्यूबॉइड है, ठीक। ये बैंगल, बैंगल यानी चूड़ी। चूड़ी किस शेप की होती है? सर्कल की होती है, देखें आप, गोल। तो इसका मतलब देयर आर डिफरेंट शेप्स इन आवर लाइफ, ठीक है, जिनसे हम रोज डील करते हैं। बहुत सारे शेप्स होते हैं, और मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है शेप्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें हमारी रोज़ की ज़िंदगी में आती हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम इन्हें कैसे मेजर करें, हम इन्हें कैसे नापें, ये कितना एरिया कवर कर रही हैं, ये इनके क्या शेप्स हैं, क्या कितनी हाइट है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। सो वेलकम टू ज्योमेट्री। ये आपका पहला ज्योमेट्री, आई थिंक इससे पहले आपने पढ़ी है, बट शेप्स पढ़े हैं खाली, बट ज्योमेट्री एग्जैक्टली क्या होती है ये आप आज पढ़ेंगे, और यानी क्लास सिक्स में आपको पहली बार आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 4 है एनसीईआरटी की बुक का, जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज है। यहाँ पर आप सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि ज्योमेट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ज्योमेट्री में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप, बेसिक आइडियाज आप देखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में वर्ड है ज्योमेट्री, ठीक, जो कि इक्विवेलेंट है ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन से, ठीक। आई बात समझ में? दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और ग्रीक। ग्रीक वर्ड है ज्योमेट्रन और इंग्लिश वर्ड है ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री वर्ड ज्योमेट्रन से बना है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक सा, ठीक। तो ज्योमेट्री वर्ड ज्योमेट्रन से इक्विवेलेंट है। अब जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्रीक वाले वर्ड की हम बात करें, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि अर्थ मेजरमेंट, यानी कि ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, अर्थ को मेजर करते हैं, अर्थ यानी जमीन। अब जमीन क्या सिर्फ जमीन है? नहीं, जमीन पे तो बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, आज की डेट में इंसानों ने घर भी बना लिए हैं, ठीक है, बहुत कुछ है, फैक्ट्रीज हैं, तो हर चीज, वो सब चीजें आ गई हमारी अर्थ में, ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हमें पता चलता है कि लोगों को ज्योमेट्री का आइडिया मिला कहाँ से, वहाँ से मिला जब इस बात की ज़रूरत लगी कि अब हमें अर्थ को नापना पड़ेगा, घर बनाने के लिए या कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई टेंपल बनाने के लिए हमें अर्थ को नापना पड़ेगा, और वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है ज्योमेट्री की। तो इस चैप्टर के अंदर हम बिल्कुल बेसिक आइडियाज़ को, पहला बेसिक आइडिया है पॉइंट, पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट क्या होते हैं? तो आपने नाइट स्काई में स्टार्स देखे, स्टार्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स से बने हुए हैं वाइट कलर के स्काई में, ऐसा ही लगता है। आपने पेंसिल की शार्प टिप देखी है, वो भी एक पॉइंट होती है, ठीक है। तो पॉइंट कहते हैं कोई भी एक चीज जो किसी पूरे सरफेस में बहुत छोटी सी होती है, और पॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए, अब ये तीनों पॉइंट तो एक से लग रहे हैं, ठीक है, तो हमें इन तीनों को अलग करना पड़ेगा ना एक दूसरे से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, ए बी सी। जैसे घर में 3 बच्चे होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको नाम दे देते हैं कि ये राम है, ये श्याम है, और ये कुछ और, कुछ भी, लक्ष्मण है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नाम दे देते हैं, लकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम उन तीनों बच्चों को, ताकि अगर मम्मी बुलाएं तो वो नाम लेके बुला सकें, ठीक है, कि लकी बेटा इधर आओ, ठीक है, राम बेटा इधर आओ, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसी तरीके
तरीके से हमने पॉइंट्स को भी नाम दे दिया ताकि अगर हमें इन्हें बुलाना हो तो हम बड़े आसानी से इन्हें नाम लेकर बुला सकें। तो इसका नाम है पॉइंट ए, ये वाले पॉइंट का नाम है पॉइंट ए, ठीक है। इसका नाम है पॉइंट बी, इसका नाम है पॉइंट सी, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं, आयशा बताओ इसका क्या नाम होगा? ए। खाली ए, पॉइंट ए। इसका बताओ? पॉइंट पी। इसका बताओ? पॉइंट सी। इसका बताओ? पॉइंट एच। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? पॉइंट एक्स। ठीक, आगे बात समझ में? यानी कि पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें हमें नाम देना होता है ताकि हम उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकें। ओके, चलिए ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो अब अगला कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट कहते हैं लाइन के छोटे से टुकड़े को, ठीक है, छोटे से पार्ट को। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई ये एक चौक है, ठीक है, और मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इसको यहाँ रख करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस लाइन की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी? जहाँ चौक की लेंथ है, ठीक है, जितनी चौक की लेंथ है उतनी लाइन की लेंथ होगी। तो ये लाइन का एक टुकड़ा है, लाइन कहते हैं जो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाए वो लाइन, और उसी लाइन का एक टुकड़ा, सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, उसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट। तो अब मैं इसको नाम दे देती हूँ सी और इसको नाम दे देती हूँ के, ठीक है, चौक है ना ये, तो इसको नाम दे दिया हमने सी और इसको नाम दे दिया के। तो ये कौन सी लाइन सेगमेंट हो गई? सी के, ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम है सी और इस वाले पॉइंट का नाम है के, तो लाइन सेगमेंट सी के। बट एक बात बताइए, अगर हम इसको लाइन को भी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, और हम किसी और चीज़ को भी ऐसे लिखेंगे, जैसे अभी आगे कॉन्सेप्ट आएंगे लाइन के, रे के, तो हम उन्हें भी ऐसे लिखेंगे, तो फिर हम फर्क कैसे करेंगे कि कौन सी लाइन है कौन सी लाइन सेगमेंट है? इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, जब भी आप किसी लाइन सेगमेंट का नाम लिखें तो उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए, इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि अगर हाँ, अगर खाली सी के लिखा है तो उसका मतलब वो लाइन है, और अगर सी के बार लिखा है तो उसका मतलब वो क्या है? रे है, ठीक। वैसे लाइन के लिए भी खाली सी के नहीं लिखेंगे, वो अभी आगे हम नोटेशन बताएंगे, पर आप ये नोटेशन को पहचान लीजिए कि अगर यहाँ पे सी के बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। चलिए, अब इस फिगर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो चलिए इफ्रा आओ जरा, कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं इनके नाम लिख दो। चलिए, तो इन्होंने हमें आंसर दिया कि ए बी बार है एक लाइन सेगमेंट, ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है ए बी बार, ये वाली लाइन सेगमेंट बी से सी तक ये है बी सी बार, ठीक, और ये वाली लाइन सेगमेंट सी ए बार है, ये वाली, ठीक है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, आप इसको बी ए बार भी लिख सकते हैं, बी ए बार, सी बी बार और ए सी बार, ठीक, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है लाइन का। तो मान लेती हूँ मैं वही लाइन सेगमेंट जो अभी मैंने बनाई थी ए बी, ठीक है, कोई बनाई थी मैंने ए बी लाइन सेगमेंट, उसी को मैंने दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया है, और ये एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, मतलब आप इसे कहीं तक भी ले जाइए, बोर्ड क्रॉस कर दीजिए, पूरी दुनिया क्रॉस कर दीजिए, ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन है। तो लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जो दोनों ही डायरेक्शन से इनफाइनाइटली बढ़ती है, यानी दोनों डायरेक्शन से वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कहते हैं अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो, वहाँ तक वो लाइन जाती है, ठीक है, यानी उसका कोई एंड नहीं है उस लाइन का, तो दोनों डायरेक्शन से ये लाइन एक्सटेंड करेगी, ठीक। दूसरी चीज, एक पॉइंट मैंने लिया ए, अब दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया सी और यहाँ ले लिया डी, तो किन्हीं भी दो पॉइंट को यूज करके आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाले ए बी पॉइंट को यूज किया तो ये मेरी एक लाइन बन गई, ठीक, ये एक लाइन बन गई, सही है। अब मैंने ए सी पॉइंट को यूज किया, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो ये मेरी लाइन बन गई, दोनों तरफ से एक्सटेंड हो गई है। मतलब ये है कहने का कि कोई भी लाइन क्रिएट करने के लिए आपको दो पॉइंट की जरूरत है और उसी से आपका डायरेक्शन निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए है और यहाँ पे एक पॉइंट है सी और यहाँ पे एक पॉइंट है डी, तो जरा सा बिल्कुल हल्का सा फर्क आएगा, बट बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अभी आप देखिएगा ए सी, सॉरी ज्यादा हो गया,
देखें, वहां पे तो इतना फर्क नहीं लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट लाइंस बन गई हैं, जरा से फर्क की वजह से दो अलग अलग लाइंस ही क्रिएट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, और लाइन वो होती है जो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती है। और हाँ, लाइन को डिनोट करने के लिए हम अक्सर एल का यूज करते हैं, बट अगर L के अलावा अगर एक से ज़्यादा लाइन को डिनोट करना हो तो हम M और N का भी यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ कि AB की अगर हमें लाइन सेगमेंट दिखानी थी तो हमने ऐसे शो की, ठीक, यानी कि ये दोनों तरफ से रुकी हुई है, ठीक। पर अगर मुझे इसकी लाइन शो करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एरो बनाऊंगी दोनों तरफ। इसका मतलब ये है ये दोनों तरफ से बढ़ रही है, यानी कि एक लाइन है, ठीक, ये इसका नोटेशन है। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। तो पहले आपको वर्ड इंटरसेक्ट का मतलब समझना चाहिए, वो चीज़ जो एक दूसरे को काटे, इंटरसेक्ट करे। ओके, सो यहाँ पे एक लेटर मैं ले लेती हूँ एक्स। इंग्लिश आपने पढ़ी है, ए बी सी डी आपको आती है, और एक्स लेटर से आप वाकिफ है, ठीक है। तो एक्स लेटर में अगर आप देखें तो यहाँ दो लाइन्स हैं। मान लेती हूँ मैं इसको कह देती हूँ ए, इस पॉइंट को इसको कहती हूँ बी, इसको कहती हूँ सी, और इसको कहती हूँ डी। तो यहाँ पे दो मेरे पास लाइन्स हैं, ठीक, एक है ए बी और एक है डी सी। तो ए बी और डी सी जो है वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ। ऐसा कोई नहीं है रूल के आपको इस पॉइंट को क्या नाम देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, आप उर्दू के लेटर का भी नाम दे सकते हैं, बस आपको सहूलियत होनी चाहिए, आपको आसानी होनी चाहिए। आप हिंदी में इसको का खा गा भी लिख सकते हैं, बस आपको ईजीनेस फील होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी लेटर का नाम देंगे आपको उसका यूज करना है, ठीक है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। तो इसको मैंने कह दिया ओ, ठीक। तो अब मैं ये कहूंगी दैट लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग विद लाइन डी सी, यानी लाइन ए बी लाइन डी सी को ओ पे काट रही है, ठीक है। तो लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग लाइन डी सी एट ओ, यानी ओ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। इसी तरीके से आपने वो रोड देखे होंगे चौराहे वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ये रोड आपस में मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक रोड मानूं और इसको एक रोड मानूं तो ये दूसरे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये क्या हुए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुए। इसी तरीके से एक चीज और है, जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, ठीक, इसको मैं हल्का सा टिल्ट कर देती हूँ, हल्का सा, अभी ये नहीं मिल रही है, ठीक, यहाँ ए बी और ये सी और ये डी, तो ये अभी नहीं मिल रही है, पर क्योंकि ये लाइंस हैं तो आप जानते हैं कि ये दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकती हैं। तो जब हमने कहा कि इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकती है, इसका मतलब ये आगे जाके मिल जाएंगी, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में कई जगह ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां लाइन एग्जैक्टली आपको मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी, पर अगर आपको बताया गया है कि ये लाइंस हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती हैं, और जब ये दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती हैं तो इसका मतलब ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, और इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी मिल सकती हैं? तो बिल्कुल मिल सकती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिल सकती हैं। क्यों नहीं मिल सकती हैं? क्योंकि मान लो ये एक पॉइंट पे मिल गई, अब आप इनको दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड करोगे तो ये एक दूसरे से दूर ही भागेंगी, पास नहीं आएंगी दोबारा, क्योंकि लाइन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। तो ये जब आप इसे एक्सटेंड करोगे तो ये एक दूसरे से दूर भाग रही होंगी, पास नहीं आ रही होंगी, ठीक। ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम पैरेलल लाइंस पर। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, ठीक। इसको कैसे समझेंगे कि कैसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं? तो मान लेते हैं एक पॉइंट, एक लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन आपकी ये है, तो आपको इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करके देखना है, आपको इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करके देखना है,
फिर कहीं ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अगर बराबर है तो इसका मतलब ये कभी मीट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी नहीं मिलती, वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको देख लें, अगर आपको ऐसी लाइंस दे रखी हैं तो देख लें कहीं आगे मिल तो नहीं जाएंगी, क्योंकि देखने में कुछ लाइंस पैरेलल लगती हैं पर वो होती नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, सॉरी ये होती हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपके स्केल की जो दोनों एजेस हैं, दोनों साइड्स हैं, वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। आपका जो रूलर होता है ग्लास वाला, ठीक है, इस तरीके से उसमें होते हैं स्केल होता है या मार्क्स चले हुए होते हैं, तो इसकी वाली जो दोनों लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये होती है पैरेलल लाइंस। इसी तरीके से रेलवे की जो लाइंस होती हैं वो भी पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके टेबल की जो दोनों एजेस हैं वो भी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। क्या आपने टॉर्च से निकलने वाली लाइट देखी है कभी? तो टॉर्च से निकलने वाली लाइट जो होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि वो यहाँ से निकल रही है, तो ये उसका एंड पॉइंट है। हम मान लेते हैं कि बस ये तीन रेज जो है वो निकल रही है किसी टॉर्च, तो ये उसका एक एंड पॉइंट है और यहाँ से वो जहां तक चाहे एक्सटेंड कर सकती है, ठीक। इसी तरीके से ये एक एंड पॉइंट है और यहाँ से जहां तक चाहे एक्सटेंड कर सकती है, और यहाँ भी एंड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है एक रे। रे क्या होती है? रे वो होती है जो एक तरफ से नहीं बढ़ती, एक तरफ रोका लगा हुआ है, स्टॉप्ड है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से वो एक्सटेंड कर सकती है इनफाइनाइटली। यानी लाइन को ही अगर मैं एक तरफ से रोक दूं, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं रोक दूं, तो ये बन जाएगा रे, ठीक है। और जैसे ये है पी क्यू, तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे हमने आपको लाइन का बताया, लाइन को ऐसे लिखेंगे दोनों तरफ से एरो, लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखेंगे, और इसी तरीके से रे को ऐसे लिखेंगे, ठीक। ये हो गया इसका नोटेशन। अब एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम, ठीक है। यहाँ ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, यानी आपको चारों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला है ये फिगर को आपको यूज करके पांच पॉइंट के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो पांच पॉइंट कौन से होंगे? पहला मैं फर्स्ट का आंसर यहाँ लिख रही हूँ, ए पार्ट का। कौन से पांच पॉइंट है? कोई से भी पांच पॉइंट का आप नाम लिख दीजिए, जैसे ये वाला है ओ, ठीक है। तो ओ सी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखेंगे आप, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट, सही है। तो आपके पांचों के नाम हो गए। अब अगला है लाइन, ए लाइन, यानी कि सिर्फ एक लाइन का आपको नाम देना है। तो लाइन क्या होती है? क्या होती है अपना लाइन? लाइन वो होती है जो दोनों तरफ से इनफिनिटी तक बढ़ती रहे, ठीक है। तो बताइए फिगर में आपको कोई लाइन दिख रही है? डी बी, पॉइंट डी एंड पॉइंट बी, डी बी, वेरी गुड। यानी डी बी जो है वो हमारी लाइन है। क्यों है लाइन? क्योंकि ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, ठीक। ओके, फोर रेज के आपको नाम बताने हैं। चार रेज अगर आपको फिगर में दिख रही है तो आप उनका नाम बताइए। बताइए आयशा कौन सी चार रेज है? O, पॉइंट O, पॉइंट से नहीं बताएंगी आप, रे का नाम बताइए। O, O, O C रे हो गई जी, और O E, नहीं O E, हाँ O E हो गई, ठीक है। O E नहीं होगी क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। रे क्या होती है? जो एक तरफ से एक्सटेंड करती है, दूसरी तरफ से रुकी हुई होती है। फिर तुम बताओ पांच रेज के नाम। रे, रे सी, हाँ बताओ, रे डी ई, नो हाँ ठीक है, डी ई हो गई रे, रे ओ बी, और एक और चीज जो एंड पॉइंट है वहां आप वो वाला लेटर लिखेंगे जहां से रे एंड हो रही है, ठीक। फिर और बताओ, रे ओ बी, ओ बी ठीक है, और चार के नाम देने ना, रे ओ, ओ डी भी तो है एक, ये वाली रे भी तो है जी, ये एंड पॉइंट है और यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो ये हो गई ओ डी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चार रेज। फिर है आपको पांच
लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं, ठीक है? तो आप देखिए इसमें कौन से पांच लाइन सेगमेंट्स हैं। एक तो देखें, लाइन सेगमेंट क्या होता है ईशा? लाइन सेगमेंट वो होता है एक लाइन का टुकड़ा जो दोनों साइड से नहीं बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कौन सा लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है? ई डी, एक सेकेंड, लाइन सेगमेंट्स की लिस्ट हम यहाँ बनाएंगे। हाँ, क्या दिख रहा है? ई डी, ठीक है, ओके, ई डी। और लाइन सेगमेंट को मैं शो कैसे करूँ कि लाइन सेगमेंट है? ऊपर एक लाइन बना के दो डॉट साइडों में। ठीक है, अब बताओ और कौन सी आपको लाइन सेगमेंट दिख रही है इसमें? ओ ई, ओ ई, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओ बी, ओ बी, गुड। देन ओ सी, ओ सी, गुड। देन बताइए, ओ डी भी तो है, ओ डी भी है, ई डी भी है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो लाइन रेज भी है और लाइन सेगमेंट्स भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आप पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ एक पॉइंट है जो हमें डायरेक्शन बता रहा है। अगर आप इसको लाइन को नाम दे रहे हैं तो ये बी जो है ना, ये कोई लाइन का पार्ट है सिर्फ, इसलिए नाम देने के लिए हम यूज कर रहे हैं। बाकी ये ओ बी लाइन सेगमेंट को ही अगर हम एक साइड से एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गए हमारे पांच लाइन सेगमेंट के नाम। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।